मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ FIR, फुल फॉर्म ऑफ FIR। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आप लोग फिगर भी देखते रहें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ DP, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्ले पिक्चर। आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पे या फिर कोई भी प्रोफाइल पिक्चर जो होता है उसे हम लोग डिस्प्ले पिक्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ पैन, पैन कार्ड जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग यहाँ पे पैन कार्ड देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ BSNL, तो आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग ये फोटो देख सकते हैं BSNL का, भारत संचार निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ CPU, जो कंप्यूटर का जिसे ब्रेन कहा जाता है, तो आप लोग फोटो देख सकते हैं CPU का, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ WWW, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। आप लोग देख सकते हैं जब भी आप लोग कुछ सर्च करते होंगे अपने वेब ब्राउज़र पे तो आप लोग इसको डालते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ SMS, तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ UPSC, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये UPSC का फुल फॉर्म है। आप लोग UPSC का लोगो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ATM, हम लोग ATM हमेशा यूज करते हैं, ATM कार्ड, ATM मशीन, तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप लोग फोटो देख सकते हैं ATM का, किस तरीके से पैसा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ OTP, कोई भी आजकल कोई भी काम करना होता है तो OTP आता है, चाहे आप शॉपिंग करते हैं, कोई ID बनाते हैं सोशल मीडिया पे, तो उस पर OTP जरूर आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड, और इसे हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ RBI, जो RBI है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं ये RBI का लोगो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CBSE, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप लोग इसका लोगो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ APL, तो इसका आंसर हो जाएगा एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये APL का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ BPL, तो इसका आंसर हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ LIC, सब लोग जानते हो कि लाइफ इंश्योरेंस, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोग इसका लोगो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ INR, तो INR का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रुपीस। आप लोग ये फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ JPSC, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, JPSC का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जरा बताइए UPSC का फुल फॉर्म क्या होगा, अभी हमने बताया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ MRP, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखिए जो भी हम कुछ खरीदते हैं उस पर MRP जरूर पड़ रहता है, और जो MRP होता है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं बेच सकता है। अगर कोई बेचता है तो आप लोग कंज्यूमर फॉर्म में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ COD,
आप लोग जब कोई भी चीज़ शॉपिंग करते होंगे ऑनलाइन तो उसमें COD का ऑप्शन आता होगा, तो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा कैश ऑन डिलीवरी। इस तरीके से आप सामान लीजिए और फिर उसके बदले में पैसे दीजिए। देखिए, अगर आपको ये आज का ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा होगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जब भी कोई चीज़ सेव करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है PDF का, तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप लोग इसका लोगो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ID, कहते हैं ID दिखाइए, ठीक है? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आप लोग देख सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ ID। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ NDTV, NDTV ठीक है, काफ़ी चर्चित न्यूज़ चैनल है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली टेलीविज़न। इसका म्यूजिक ही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CRPF। CRPF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पब्लिक फोर्स। आप लोग फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ QR कोड। ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये चलन में बहुत है। कहीं भी आप शॉपिंग करते हैं कुछ भी तो कहते हैं QR कोड पे। एक छोटा सा पान के दुकान वाला, रेडी लगाने वाला, ठेले वाले, सब लोग QR कोड का आजकल यूज कर रहे हैं, तो हमें उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, आप लोग फोटो देख सकते हैं, ये QR कोड है। हर चीज़ में आजकल QR कोड आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। इससे पेमेंट भी होता है, हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, हमें उसके बारे में जानकारी भी इससे मिलती है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ BSF, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप लोग फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ RPF, तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आप लोग फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ IPPB, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ठीक है, आप लोग इसका लोगो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ DVC, DVC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये इससे संबंधित है, आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ PNR, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो सफ़र करते होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये रेलवे से संबंधित है, PNR मींस इन रेलवे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ CID, CID का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जब कोई क्राइम हो जाता है, आजकल तो एक सीरियल भी CID है, काफ़ी चर्चे में रहते हैं, लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, और ये कोई भी जब घटना घट जाती है तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ IPL, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग। देखिए फ्रेंड, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, इसकी क्वालिटी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो BSS ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ VVIP, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ RAM, RAM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म हो जाएगा RAM का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ MRF, जो हम लोग टायर यूज करते हैं, MRF बाइक से लगा के सुपर कार सब में MRF, ट्रैक्टर सब जगह आजकल MRF काफ़ी चर्चे में है, आप लोग ये देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा MRF का मद्रास रबर फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ICC, ICC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आप लोग इसका लोगो देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ODI, तो इसका आंसर हो जाएगा वन डे इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ CCTV, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हर जगह आपको देखने को मिलता है कि CCTV फुटेज, और मेरे यहाँ CCTV लगा है, यहाँ पे CCTV, यहाँ पे CCTV, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, आप लोग CCTV का फुल फॉर्म देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है DRS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका हो जाएगा डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ये काफ़ी यूज होता है और हमारे जो कन्फ्यूज़न होता है उसको ये दूर करता है जब हम लोग देख रहे होते हैं मैच। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ BA, तो इसका आंसर हो जाएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ BSc, तो इसका आंसर हो जाएगा बैचलर ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ MBBS, तो इसका आंसर हो जाएगा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आप लोग सुनते होंगे कि हमने MBBS डॉक्टर को दिखाया है और ये सारी चीज़ें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ PhD, PhD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ CNG कार आती है, CNG ऑटो आती है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये CNG का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ LPG, जो हमारे घरों में सिलेंडर यूज होता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म ऑफ LPG। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ पिन, जो हम लोग पिन डालते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये पिन का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ BJP, ये BJP एक पार्टी है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, आप लोग इसका लोगो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ AM, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी मेरिडियम। ठीक है, आप लोग देखते होंगे मोबाइल में AM PM, तो ये इसी का ये फुल फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ PM, तो हो जाएगा पोस्ट मेरिडियम, ये AM और PM का फुल फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ USD, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ LLB, तो इसका आंसर हो जाएगा बैचलर ऑफ लॉज। तो इस तरीके से लगभग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा और जाना, वो भी फिगर के माध्यम से। इसके अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।